बच्चों, रसायन के कालांश, रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। पिछले कालांश में हमने हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण देखे हैं, अब हम इनके रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। उन रासायनिक गुणों में भी बच्चों, आज का जो जिस रासायनिक गुण को पढ़ेंगे हम, वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों इस अध्याय का। इससे एक प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आता है, यानी आपको अब लगातार पूरा हो सकता है 50 मिनट, 1 घंटा चलता है लेक्चर, मेरे साथ बने रहना है। जब आप यहां से लेक्चर खत्म करके निकलेंगे तो निश्चित निश्चित ही आपको अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए कम से कम एक प्रश्न अवश्य मिल जाएगा। आइए आज की नई हेडिंग लगाते हैं, हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण। हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे बच्चों हम। हेलो एल्केन्स के मुख्यतः हमें तीन रासायनिक गुणों की चर्चा करनी है। पहला रासायनिक गुण इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे? हिंदी में भी लिख सकते हैं नाभिक स्नेही। थोड़ा पहली हेडिंग है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहली हेडिंग क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी हेडिंग रहेगी एलिमिनेशन। दूसरी हेडिंग क्या रहेगी? एलिमिनेशन रिएक्शंस। और तीसरी हेडिंग रहेगी रिएक्शन विथ मेटल। अर्थात हमें तीन तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, जो कि हेलो एल्केन्स के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है ना? इन तीनों अभिक्रियाओं की हम चर्चा करेंगे, अलग अलग कालांशों में की जाएगी चर्चा। सबसे पहली हेडिंग आज की हम लगाएंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी हेडिंग लगनी है बच्चों हमारी? पहली हेडिंग हम लगाएंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं हम यह हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन तीनों को नोट कर लेना आप, मिटा दे रहा हूं पॉज करके। इन तीनों में से आज की पहली हेडिंग लगी है बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यह किस प्रकार होंगी, चलिए इसकी चर्चा करते हैं हम। क्या क्या होने वाला है इसमें? होगा क्या, हमारा एक एल्काइल हैलाइड होगा, जो कि हम जानते हैं पोलर नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। एक कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वह न्यूक्लियोफाइल इसके हेलोजन को एक्सचेंज कर देगा, हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, अर्थात हेलोजन की जगह ले लेगा, और क्या बन जाएगा? आर एन यू और एक्स माइनस निकल जाएगा। ये जो एक्स माइनस होता है, हेलोजन है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? खुद में लोन पेयर, तीन लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं बेटा इसमें? तीन लोन पेयर होते हैं। ये बन जाएगा, जो जो हेलोजन निकला इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? निकलने वाला समूह। और यह है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एनयू। और एक्स क्या है? एक्स एक लीविंग ग्रुप है, जो कि न्यूक्लियोफाइल जिसको हटा रहा है। ठीक है ना? अच्छा, होना क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल जो होंगे, न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वह दो तरह के होंगे। क्या कह रहा हूं मैं? न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होंगे। एक तो वो न्यूक्लियोफाइल होंगे जिन पर निगेटिवली चार्ज होगा। क्या होगा? जिन पर निगेटिव चार्ज होगा। और दूसरे वह न्यूक्लियोफाइल होंगे जिस पर लोन पेयर होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करेंगे।
दूसरा, पहला वो निगेटिव चार्ज से अटैक करेंगे, दूसरा वो जो कि लोन पेयर से अटैक करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा बने रहे ना, आपको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं बता रहा अभी, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो रिएक्शन बहुत आसान हो जाएंगी। निगेटिवली चार्ज कौन से, जैसे साइनो सी एन, ठीक है ना, एलकॉक्सी ओ आर, हाइड्रोक्सी ओ एच निगेटिव, नाइट्राइटो ओ निगेटिव, एसीटेट सी ओ ओ निगेटिव। ये कौन से होंगे भाई, एन एच थ्री हो सकता है, एच टू ओ ओ हो सकता है, कौन सा हो सकता है बेटा, एच टू ओ हो सकता है, आर एन एच टू हो सकता है, एमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों एमाइन हो सकते हैं, और एन ओ टू अर्थात ये एन से अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो यह भी लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है ना। अगर यह न्यूक्लियोफाइल होंगे, ये वाले यह न्यूक्लियोफाइल, तो बच्चों डायरेक्ट कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल होंगे जिस पर निगेटिवली चार्ज होगा डायरेक्ट, वह तो सीधे ही इसको रिप्लेस कर देंगे, सीधे ही इसको रिप्लेस कर देंगे और डायरेक्ट क्या बना लेंगे, आर एन यू और एक्स निगेटिव निकल जाएगा, ये लीविंग ग्रुप। लेकिन अगर ये वाले न्यूक्लियोफाइल होंगे बच्चों, कौन से वाले, जिस पर लोन पेयर होता है केवल, केवल क्या होता है, जिस पर लोन पेयर होता है, चार्ज नहीं होता है, तब क्या होगा, तब ये जो निकलेगा एक्स माइनस, उसके बाद जो कंपाउंड बचेगा उस पर, क्योंकि ये न्यूट्रल था, इसका पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, अर्थात आपको दो तरह की रिएक्शन मिलेंगी। इनकी व्याख्या बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म में की जाएगी, क्योंकि हम पहले रिएक्शन पढ़ते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था, पहले रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, उसके बाद इन रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि भी समझी जाएगी, क्या समझी जाएगी, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो भी बताया जाएगा। पहले हम रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शंस कैसे हो रही हैं इस बात की हम व्याख्या करेंगे। तो सामान्यतः आपकी दो प्रकार की मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम, SN1 SN2, इन दोनों की व्याख्या की जाएगी बेटा अगले अगले कालांश में। तो अभी आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगला कालांश मिला के जब आप समझेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो ये वाले न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करते हैं जिनमें डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, निगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, वह रिएक्शन हमेशा SN2 होंगी। कैसी होंगी बेटा, SN2 मैकेनिज्म द्वारा हमेशा होंगी, जहां माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर न्यूट्रल है उसकी कहानी कुछ अलग है, हम उसकी मैकेनिज्म बताया जाएगा। तो एक बात हमें यह भी मिल गई है, आगे कालांश में पढ़ेंगे हम, कि ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा वह SN2 रिएक्शंस देगा, और यह न्यूक्लियोफाइल SN1 SN2 दोनों दे सकता है, ठीक है ना। इनकी कहानी हम आगे समझेंगे, अर्थात दो प्रकार के हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, इनकी चर्चा अभी हम यहां भी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। अब प्रश्न आता है हमारे सिलेबस में कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इसको आप नोट कर लो पहले बेटा, मिटा के दोबारा लिखते हैं फिर। हमारे सिलेबस में कौन कौन सी रिएक्शंस हैं इस बात के हम देखते हैं। हमें एक एल्काइल हैलाइड मिलेगा, कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा वह किन किन से रिएक्शंस करेगा, इन सब की व्याख्या हम करेंगे बेटा, सबकी व्याख्या की जाएगी यहां पे। पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम NaOH या KOH से करवाएंगे, वो भी कैसे होंगे बच्चों, एक्वस, ये आपको ध्यान रखना है, एक्वस लिखना बहुत अनिवार्य है, इसकी व्याख्या भी की जाएगी। हम मॉइस्ट यानी नम नम Ag2O या AgOH से भी यह रिएक्शन करा सकते हैं। इन अभिक्रियाओं में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा, और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होने के कारण यहाँ पर जो बनेगा बेटा वह एल्कोहल्स बनेंगे, इसकी व्याख्या भी हम कर रहे हैं। दूसरा हम रिएक्शन करा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन बाई एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कंपाउंड अर्थात एल्काइल होगा, और सोडियम एल्कोक्साइड ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे और एल्कोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं C2H5ONa, इससे हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे।
इस रिएक्शन को भी नेम रिएक्शन है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। और किससे सब्सटीट्यूशन कराएंगे हम सब्सटीट्यूशन कराएंगे अमोनिया से। किससे? अमोनिया को हम ऐसे लिख दे रहे हैं HNH2, इससे भी हम सब्सटीट्यूशन कराएंगे। और अमोनिया के एक एक एच को लगातार सब्सटीट्यूट करा सकते हैं, इससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन बनते हैं। अभी इसकी भी अलग से व्याख्या की जाएगी। एक सब्सटीट्यूशन हम कराएंगे पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 से कराएंगे, और एक कब कराएंगे AgNO2 से कराएंगे, KCN से कराएंगे बच्चों हम, KCN और AgCN, और हम करा देंगे Na एसिटिलाइट से भी कराएंगे। किससे कराएंगे बच्चों? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इतनी रिएक्शन हमें एक साथ पढ़नी है। आज का टॉपिक बड़ा है बच्चों, लगातार बने रहना है। इन सब रिएक्शन की पूरी केमिस्ट्री आपको समझाई जाएगी। इतने तरह की सभी रिएक्शन हमें बच्चों आज पढ़नी है। चलिए पहली हेडिंग लगाते हैं हम। पहली हेडिंग लगाते हैं कि OH द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। OH द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और इसमें एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? एल्कोहल का बनना, लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसमें बच्चों H2O भी लिख सकते थे यहाँ पे हम। किससे हो सकता है OH का प्रतिस्थापन? वाटर से भी हो सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए पहले हम लिख रहे हैं, यदि हम एल्काइल हैलाइड ले लें और हम उसकी किससे रिएक्शन करा दें, NaOH KOH कोई भी ले सकते हैं, ये भी एक्वस रहेंगे। कैसे रहेंगे? एक्वस रहेंगे। ये लिखना अनिवार्य है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बेटा। क्यों गलत हो जाएगा वो भी बताएंगे हम। अच्छा, और हम ले सकते हैं AgOH या Ag2O, यह कैसे रहेंगे? नम रहेंगे। उपरोक्त सभी पदार्थ वाटर में जब सॉल्यूशन बनता है स्ट्रॉन्ग, यह तो क्या होते हैं, यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बहुत अधिक संख्या में OH- न्यूक्लियोफाइल देते हैं, और तुरंत यह इसको रिप्लेस कर देता है, ROH बन जाता है। और प्लस X के साथ ऐसे अगर Na है तो NaX निकल जाएगा, अगर K है तो KX निकल जाएगा, अगर Ag है तो AgX निकल जाएगा। एग्जाम्पल लिखें C2H5Br प्लस KOH गिव्स C2H5OH प्लस KBr। अच्छा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CL प्लस AgOH, ये भी मोस्ट रहेगा और ये एक्वस रहेगा। एक्वस लिखना अनिवार्य है। ये भी कैसा रहेगा? नमी युक्त रहेगा। क्या बनेगा? CH3 क्या है? OH प्लस AgCl। अर्थात इन अभिक्रियाओं में ये जो न्यूक्लियोफाइल था, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस Br को रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। सामान्यतः ये प्रश्न आता है जो मैं एक्वस कह रहा हूं आपसे, एक्वस क्यों लेना है? यदि हम यहाँ पे एल्कोहलिक ले लें, कैसा ले लें भाई? यदि हमारा KOH एल्कोहलिक हो जाए तब क्या हो जाएगा? एक्वस लेने पर बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में KOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भांति बिहेवियर करता है, और यह बहुत अधिक संख्या में, किसमें मैं कह रहा हूं, बहुत अधिक संख्या में OH निगेटिव जनरेट करता है। ये तुरंत इस पर अटैक करके क्या करते हैं? X को रिप्लेस कर देते हैं और एल्कोहल्स बना लेते हैं। लेकिन अगर हमारा KOH
एल्कोहलिक मीडियम में होगा तो यहां पर यह वीक इलेक्ट्रोलाइट की भांति बिहेवियर करता है, अर्थात इसमें OH माइनस आयन बहुत कम बनेंगे। क्यों कम बनेंगे बेटा? क्योंकि ये सॉल्वेंट जो है यह सॉल्वेंट कोवलेंट होता है और कंपाउंड आयोनिक है, तो यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था उसकी जगह एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, जो कि हम सेकंड पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे HBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? और यहाँ पे C2H4 अर्थात एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। अगले लेसन में, अगले चैप्टर में ये हम पढ़ेंगे, जो अगला कालांश आएगा उसमें हम ये पढ़ेंगे भी। अर्थात हमें ये मिल गया कि जो एल्कोहल के साथ एल्कोहल अगर हमें बनाना है तो हमें एक्वस KOH, एक्वस NaOH और मॉइस्ट AgOH और मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन कराएं, तो हम क्या बना सकते हैं आसानी से? एल्कोहल का निर्माण हम कर सकते हैं। एल्कोहल को हम आसानी से बना सकते हैं। एक्वस क्यों लेना है? क्योंकि एक्वस नहीं लेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन होने से यह एल्कीन में बदल जाएगा। दूसरी हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं पुनः कह रहा हूं, चूंकि यहां OH माइनस न्यूक्लियोफाइल बना, फर्स्ट टाइप का न्यूक्लियोफाइल बना है, हमने बताया था अगर फर्स्ट टाइप का न्यूक्लियोफाइल बनता है जो नेगेटिव आयन से अटैक कर रहा है तो उसकी रिएक्शन हमेशा SN2 से होगी। किससे होगी? हमेशा SN2 मैकेनिज्म से होगी। आगे इसकी चर्चा भी की जाएगी, अभी आपको डायरेक्ट याद रखना। अर्थात इस रिएक्शन में क्या हुआ? रिएक्शन में हुआ है इसके प्रोडक्ट, बेटा यहां लिख दे रहा है मैं ना, वहां जगह नहीं बची है, इसके प्रोडक्ट यहां लिख दे रहा है। यहां पर क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसमें एल्कोहल्स बन जाएंगे। अच्छा, यही अगर अटैकिंग रिएजेंट क्या कह रहा हूं मैं, RCl प्लस H2O हो, तब क्या होगा? तब भी यही रिएक्शन होगी। H2O क्या है? यहां सॉल्वेंट का भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। इसका न्यूक्लियोफाइल मैं सबसे पहले यूज इसके लॉन पेयर का होगा। किसका यूज होगा? इसके लॉन पेयर का यूज होगा। अर्थात ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये अपने लॉन पेयर से इस पर अटैक करके जुड़कर OH से Cl को रिप्लेस करेगा, लेकिन थोड़ा कम करेगा, समय देकर करेगा। अर्थात बनेगा तो यही ROH और HCl निकल जाएगा, लेकिन यह वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसकी हम केमिस्ट्री मैकेनिज्म बताएंगे अभी अलग से। सामान्यतः यह SN1 से होता है। एग्जाम्पल लिखें, C2H5Br प्लस H2O गिव्स C2H5OH प्लस HBr। अर्थात H2O ने भी सेम किया, तो नाभिक इसे ही प्रतिस्थापन में एल्कोहल किन किन अभिक्रियाओं से बन रहा है? हम NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड ले सकते हैं, मॉइस्ट रहेंगे, हम H2O भी ले सकते हैं। अंतर इतना है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ज्यादा संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। अर्थात इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो पहले टाइप के न्यूक्लियोफाइल द्वारा होगा, OH नेगेटिव द्वारा डायरेक्ट। इसमें H2O के लॉन पेयर का यूज करके सब्स्टिट्यूशन होगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। पहली तरह की रिएक्शन हमेशा SN2 होंगी, आगे व्याख्या भी की जाएगी। तो पहला आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, किससे रिएक्शन हुई है? किससे हुई है? एल्कोहल का निर्माण हो गया। चलिए दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं, हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन होना है किसके द्वारा? सब्स्टिट्यूशन वाई एल्कोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्कोक्सी ग्रुप, इसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और ईथर बनेंगे। क्या बनेंगे? ईथर बनेंगे, ठीक है ना? कैसे बनते हैं प्रश्न आया अब, एल्कोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? हम लिखें कोई भी एल्काइल हैलाइड लिखा, अभी कॉमन लिख दे रहा है, और हमने रिएक्शन कराई RONA, सोडियम पोटेशियम दोनों के एल्कोक्साइड हम ले सकते हैं।
होगा क्या इस रिएक्शन में? ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है, यह एल्कोक्सी ग्रुप इस हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, बनेगा क्या आर ओ आर। इसको डिफरेंट भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं। क्या बन गया? ईथर बन गया। और निकल क्या गया बच्चों? एन ए एक्स, सोडियम हैलाइड निकल गया। अच्छा एक एग्जांपल ले लें, हमने लिखा सी टू एच फाइव बी आर प्लस सी टू एच फाइव ओ एन ए गिव्स सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव प्लस एन ए बी आर। नाम आपको आते हैं चूंकि आप ट्वेल्थ में आ गए इलेवन से बच्चों, तो नेम आपको अच्छी तरह से आते होंगे। नेम क्या होगा बेटा इसका? यह है इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। और ये वाला क्या है? सोडियम एथोक्साइड। और यह है डाई इथाइल ईथर या एथोक्सी एथेन। ये इनके आईयूपीएसी नाम है एथोक्सी एथेन। ये बन गया। ये जो रिएक्शन है बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसका नाम, इसको हम क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? विलियमसन संश्लेषण। ये जो रिएक्शन है जिसमें एल्काइल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन से ईथर बनते हैं, यह रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है। अच्छा बच्चों इसमें भी क्या होता है? ये जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, अर्थात इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्कोक्सी है, अर्थात पहली तरह का न्यूक्लियोफाइल है। आपको इसलिए वो बताया गया, बेसिक फर्स्ट टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, अर्थात स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण यह भी SN2 रिएक्शन देगा। चर्चा आगे की जाएगी, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, यह भी SN2 रिएक्शन देगा। और जब हम SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, उसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो उसका जो ऑर्डर आता था वो 3-2-1 आता है। SN2 की चर्चा की जाएगी जब, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3-2-1 आता है। इसलिए सामान्यतः एल्काइल हैलाइड को हमें प्रयास करना है कि 1 डिग्री लें, कुछ मात्रा में 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री लेना है। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री ले लिया तो वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनने से प्रोडक्ट बदल जाएगा बेटा, प्रोडक्ट बदल जाएगा। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, देखो बेटा एक ए और बी ने रिएक्शन की, मैं आपसे पुनः बता रहा हूं हमें एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लेना है, अगर पॉसिबल है तो प्राइमरी लेना है पहले, नहीं तो सेकेंडरी ले लें, हम टर्शरी बिल्कुल नहीं लेना है। अगर टर्शरी ले लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बदल जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्रश्न है ए और बी ने रिएक्शन की, और ए और बी ने रिएक्शन करके, यहाँ ड्राई ईथर कभी कभी लिखा हो सकता है, क्या लिखा हो सकता है? ड्राई ईथर लिखा हो सकता है ना, लेकिन नहीं लिखा है तब भी कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और इनने रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाया, और यहां पे लिख दिया ओ सी टू एच फाइव प्लस एन ए बी आर भी निकला। क्या निकला बेटा? प्लस एन ए बी आर निकला। तो इसमें ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, ए और बी को हमें पहचानना है, ए क्या होगा और बी क्या होगा। अच्छा हम देखें, क्योंकि ये हमें दिख रहा है, ये विलियमसन सिंथेसिस दिख रहा है हमें, क्योंकि ईथर बना है और एन ए बी आर निकला है, तो निश्चित बात है एक एल्काइल हैलाइड होगा और एक सोडियम एल्कोक्साइड होगा। अर्थात यहां दो भाग, यहां से इसको डिवाइड कर सकते हैं या यहां से डिवाइड कर सकते हैं, दो कंडीशन है। क्या कह रहा हूं मैं? पहली कंडीशन में क्या होगा? सी एच थ्री सी 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 एच थ्री सी एच थ्री, एक पार्ट इसका ये है और एक पार्ट इसका सी टू एच फाइव है। O को हम इस साइड भी जोड़ सकते हैं और O को हम उस साइड भी जोड़ सकते हैं। अभी हमने O को यहां जोड़ दिया, क्या कह रहा हूं मैं? हमने O को यहां जोड़ दिया ओ एन ए, और यहां पे हमने जोड़ दिया बी आर, ठीक है ना। अब हमने रिएक्शन कराई, और एक रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं बेटा, हमने रिएक्शन कराई सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एन ए प्लस
C2H5Br। दोनों में से कौन सी रिएक्शन सही है, किससे प्रोडक्ट हमारा ईथर बनेगा? हम बच्चों आपको बता चुके हैं, अगर हो सके तो एल्काइल हैलाइड प्राथमिक लेना है हमेशा, नहीं तो द्वितीयक ले सकते हैं। अगर हमने तृतीयक ले लिया तो हमारा प्रोडक्ट बदल जाएगा, अर्थात हमारा जो एल्काइल हैलाइड यहां पे है ये 3 डिग्री है। कैसा है? 3 डिग्री है, अर्थात यहां का जो प्रोडक्ट होगा वह ईथर नहीं होगा, ईथर नहीं होगा। क्या होगा इसकी चर्चा अभी हम ईथर में करेंगे, जब हम ईथर का अध्याय पढ़ेंगे, एल्कोहल फिनोल ईथर आएगा तब इसकी और भी चर्चा करेंगे। इसका प्रोडक्ट ईथर नहीं होगा, इसमें एलिमिनेशन प्रीडोमिनेट कर जाएगी, वो भी बताया जाएगा आपको। इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट कर जाएगी, इसका प्रोडक्ट एल्कीन्स होगा। क्या होगा? एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा इसका। ये जो प्रोडक्ट होगा यह ईथर होगा। यहां पर क्या होगा? एनए की जगह पे ये आ जाएगा, यानी क्या बनेगा? CH3 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 O C2H5 + NaBr। हमारा प्रोडक्ट बन गया, यही तो हमें चाहिए था। ये जो बना हुआ है प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन इस रिएक्ट में ए और बी क्या हुआ? ए और बी यह हुआ, टर्शरी ब्यूटाइल सोडियम एल्कोक्साइड ए है। ए क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल सोडियम एल्कोक्साइड ए है और इथाइल ब्रोमाइड बी है। क्या कह रहा हूं मैं? इथाइल ब्रोमाइड बी है, ए और बी ये नहीं है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और सोडियम एथोक्साइड यह नहीं है ए और बी, ए और बी यह होगा। ये रिएक्शन इस तरह से भी आ सकती है बेटा, ध्यान रखना है आपको, है ना? ए और बी दिए होंगे, इनको आइडेंटिफाई करना है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस, अर्थात ये भी हमारी रिएक्शन हो गई। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट ईथर बनेगा। यहां पर क्या बन गया? एल्कोहल बन गया और यहां पे ईथर बन गया। ये प्रोडक्ट ईथर है, इससे हमारा ईथर प्रोडक्ट बन गया। दोनों समझ में आ रही है? चलिए आगे की रिएक्शन करते हैं, तीसरी रिएक्शन करते हैं, इसको मिटा दें। तीसरी रिएक्शन है बच्चों अमोनिया से। किसी रिएक्शन है? रिएक्शन विथ एमोनिया। एमोनिया किस प्रकार रिएक्शन करेगा, चलिए इस बात की चर्चा करते हैं। हमने लिखा एल्काइल हैलाइड प्लस एमोनिया, यानी कि इसको हम इस प्रकार लिख दे रहे हैं बच्चों, HNH2। होना क्या है, इसका ये न्यूक्लियोफाइल है, यह न्यूक्लियोफाइल इस हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को रिप्लेस कर देगा और RNH2 बन जाएगा। और यहां पे क्या निकल जाएगा बच्चों? HX निकल गया। अगर हमारा यहां पर यह एल्काइल हैलाइड अधिकता में है, कैसा है? अधिकता में है। यदि यह अधिकता में है तो ये प्रोडक्ट से फिर रिएक्शन कर जाएगा, RX प्रोडक्ट से आगे भी रिएक्शन कर जाएगा। अगर यह हमारा अधिकता में है, यह एक H को और रिप्लेस कर देगा और R2N और फिर एल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर देगा। क्रमशः R2NH बना और R2NH फिर एल्काइल हैलाइड हुआ, अगर तो R3N, और अगर और भी एल्काइल हैलाइड हमारे पास है तो R4NX। क्या बन जाएगा? R4NX बन जाएगा, क्वाड्रेटरी सॉल्ट बन जाएगा। अर्थात यह 1 डिग्री एमाइन है, यह 2 डिग्री एमाइन है और यह 3 डिग्री एमाइन है और यह क्वाटरनरी सॉल्ट है, चतुष्क अमोनियम लवण है। अर्थात जब एल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो एमाइन मेन प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यदि इस रासायनिक अभिक्रिया में हमारा एल्काइल हैलाइड अधिक मात्रा में है तो यह एमाइन को फर्दर रिएक्शन करके क्रमशः सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन भी बना सकता है, अर्थात एमाइन का मिक्सचर मिल जाएगा हमें, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन और क्वार्टरनरी सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण का एक मिक्सचर मिल जाएगा हमें, ठीक है नहीं?
इस रिएक्शन को, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को हाफ मैन अमोनो या अमोनोलेसिस, क्या कहते हैं, हाफ मैन अमोनोलेसिस कहते हैं। कौन सी रिएक्शन? यह रिएक्शन हाफ मैन अमोनोलेसिस रिएक्शन कहलाती है, जो कि एल्काइल हैलाइड की अधिकता में क्वाटरनरी सॉल्ट तक जाती है। अर्थात क्या हुआ, हम लिखें अगर C2H5Br प्लस NH3 क्या होगा, C2H5NH2 प्लस HBr। अगर हमारा एल्काइल हैलाइड अधिक मात्रा में है तो यह फिर रिएक्शन होगी और यहाँ पे C2H5Br फिर रिएक्शन करेगा और यहाँ पे HBr निकल जाएगा और C2H5 का होल ट्वाइस NH बनेगा, एक H और कम हो गया इसका, उसकी जगह पे एक C2H5 और आ गया, H की जगह पे H को हटाया वो आ गया, फिर हमारा C2H5Br अगर हमारे पास है, यह एक H पर अटैक करके इसको और हटा देगा और बनेगा C2H5 का होल ट्वाइस N, और अगर एक बार और भी है C2H5Br तो क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाएगा, अर्थात होल 4NVR, NVR क्या नाम हो गया इसका, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, क्या नाम हो गया, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम हाफ मैन अमोनोलिसिस है, जिससे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन तथा चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण हमें मिल जाएगा। इसको नोट कर लो बच्चों, इसको मिटा के अगली रिएक्शन लिख रहे हैं। चलो भाई अगली रिएक्शन पढ़ते हैं हम। अगली रिएक्शन में है साइनाइड, क्या कह रहा हूं मैं, साइनाइड व आइसोसाइनाइड का बनना, या हम कहें सब्स्टिट्यूशन बाई साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अभी हम इन दोनों रिएक्शन को पढ़ रहे हैं बेटा, उसके बाद ऊपर वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब एल्काइल हैलाइड KCN से, किससे, KCN से, सामान्यतः एल्कोहलिक होता है, कैसा होता है ये, एल्कोहलिक होता है ये, ठीक है ना, रिएक्शन करता है तो एल्काइल साइनाइड बनता है। एग्जाम्पल लिखें C2H5Cl प्लस KCN, NaCN भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, पोटेशियम साइनाइड भी ले सकते हैं, सोडियम साइनाइड भी ले सकते हैं, क्या बन जाएगा, C2H5CN प्लस KCl निकल जाएगा, ठीक है नहीं, और भी रिएक्शन लिख सकते थे। फिर वो बच्चों यहाँ पे यह एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, CN जो होता है CN माइनस के फॉर्म में होता है, अर्थात ये बात पक्की हो गई है, क्योंकि प्योर आयनिक कंपाउंड है, दो आयंस बनेंगे, CN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, अर्थात इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम तो यह SN2 से रही होगी, किससे रही होगी, SN2 मैकेनिज्म द्वारा होगी, जहां जहां न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव जनरेट होगा वहां वहां एक बात हमें पहले से मालूम चल गई कि उस रिएक्शन की मैकेनिज्म SN2 होगी, चर्चा अगले कालांश में की जाएगी, ठीक है ना, यह SN2 मैकेनिज्म से ही हो रही होगी। लेकिन यदि यही रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से हो, किससे हो, AgCN से हो, तो यहां पर एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है और AgX निकल जाता है, जैसे हमने लिखा C2H5Br प्लस AgCN गिव्स C2H5NC प्लस AgBr। यहां एक फर्क आ गया बेटा, जब हम साइनाइड से रिएक्शन करा रहे थे, पोटेशियम के साइनाइड से रिएक्शन करा रहे थे, तो यह एल्काइल साइनाइड बना, इथाइल साइनाइड जिसको हम बोल रहे थे, और जब हम सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करा रहे थे तो
यहां इथाइल आइसोसाइनाइड बना, अर्थात इन दोनों बातों में अंतर आ गया। अब प्रश्न आता है ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड, द एल्काइल साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट एंड व्हेन इट रिएक्ट विथ सिल्वर साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। अर्थात जब एल्काइल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करता है तो एल्काइल साइनाइड मुख्य उत्पाद बनता है, सिल्वर साइनाइड के साथ एल्काइल आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद बनता है। ऐसा क्यों होता है? पहले इस बात की चर्चा करें, एक दो बातें और भी बताई जाएंगी इसके बारे में बेटा। अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, क्या बात हो रही है उस बात को हम एक साथ लिखें, कैसे लिखें? अच्छा देखते हैं, हमने लिखा हमारा एल्काइल हैलाइड है वो यह है के सी एन और ए जी सी एन दोनों से रिएक्शन कर रहा है, यहां बना एल्काइल साइनाइड और यहां बना एल्काइल आइसोसाइनाइड, ऐसा क्यों हो गया? ठीक है ना बेटा। अब हमें फिर वहां जाना है, हमने न्यूक्लियोफाइल दो तरह के बताए थे आपको, जो न्यूक्लियोफाइल निगेटिव से अटैक करेगा, अगर दो संभावनाएं हो, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, कभी कभी कुछ न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, जैसे कि सी एन एल का के सी एन जो होता है, के सी एन जब भी आयोनाइज होगा तो के प्लस और सी एन माइनस देगा। क्या देगा? के प्लस और सी एन माइनस देगा, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, जो सी एन माइनस होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, यहां माइनस चार्ज होगा और यहां पे लोन पेयर भी होगा। क्योंकि यह एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यह दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था, यहां से भी और यहां से भी। यहां से करेगा तो इसका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला है और यहां से करेगा तो इसका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल वाला है। ये वाला जो बॉन्ड होता है, इससे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सी सिंगल बॉन्ड सी। यह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है किससे? सी सिंगल बॉन्ड एन से। क्या लिखेंगे? सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग देन सी सिंगल बॉन्ड एन। अर्थात यह तो अटैक यहीं से करेगा, यह तो अटैक केवल यहीं से करेगा और मुख्य उत्पाद जो होगा वह साइनाइड होगा। अर्थात क्या होगा? C2H5Br में यदि KCN की रिएक्शन कराई जाए तो यह सी से ही अटैक करेगा और C2H5CN ही बनाएगा मुख्य उत्पाद। अच्छा अब दूसरी बात की चर्चा करते हैं हम, इसके केस में क्या होने वाला है? AgCN जो है बच्चों, ये जो मेटल है, यह मेटल अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखती है। जब हमने ट्रांजिशन मेटल पढ़ी होगी, आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जाएंगे, देखेंगे कि सी यू ए जी और ए यू एक ही ग्रुप के होते हैं बेटा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होता है। कितना होता है बच्चों? 3d10। अच्छा ज्यादातर बॉन्ड में दोनों करेक्टर होते हैं, आयोनिक भी होता है कोवलेंट भी होता है, कुछ करेक्टर प्रीडोमिनेट करता है। अर्थात ये जो प्रीडोमिनेटली है, क्या कह रहा हूं मैं, यह है प्रीडोमिनेटली आयोनिक होता है। कैसा होता है बच्चों? यह बॉन्ड प्रीडोमिनेटली आयोनिक होता है, इस पे कोवलेंट करेक्टर हावी नहीं हो पाता है, यह मुख्यतः आयोनिक होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, एजी का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इसलिए जो एजी और सी का जो बॉन्ड है यह बॉन्ड आयोनिक करेक्टर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये आयोनिक करेक्टर का हो जाता है और यह सामान्यतः अलग होना नहीं चाहता है, यह कहता है हम तो ऐसे ही बढ़िया हैं, हम पे नेगेटिव चार्ज नहीं लाओ तुम। क्या कहता है बच्चों ये? क्योंकि यह आयोनिक होना नहीं चाहता है, आयोनिक होना नहीं चाहता है, यह चाहता है, यह तो कैसा रहना चाहता है, यह तो कोवलेंट रहना चाहता है। अर्थात यह प्रीडोमिनेटली कैसा होता है? कोवलेंट होता है, यह प्रीडोमिनेटली कोवलेंट होता है, अर्थात यह आयन बनाना नहीं चाहता है। तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है,
इलेक्ट्रॉन कौन देगा अब? इलेक्ट्रॉन ये एन दे पाएगा केवल, एक ही ऑप्शन बचे अब तो, ये तो दे ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन। यह तो कह रहा है भैया मैं अलग होना नहीं चाहता हूं, मैं तो कोवलेंट ही रहूंगा। अब अगर C2H5Br AgCN से रिएक्शन करेगा तो यह तो, ये वाला बॉन्ड तो कह रहा है ये तो आयोनिक होना चाहता ही नहीं है, कैसा है यह प्रीडोमिनेटली कोवलेंट है सर, इसका कोवलेंट नेचर ज्यादा हो गया इसके स्टेबल कॉन्फिगरेशन के कारण, एजी के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के कारण इसका करेक्टर कोवलेंट की तरफ ज्यादा हो गया और ये आयन बनाना नहीं चाहता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, इलेक्ट्रॉन यह देगा, कौन देगा? एन देगा इलेक्ट्रॉन, तो हमारा बनेगा C2H5NC। यानी प्रश्न था कि यह KCN के साथ साइनाइड क्यों बना रहा है, आपका जवाब है KCN एक आयोनिक कंपाउंड है, इस आयोनिक कंपाउंड का जो न्यूक्लियोफाइल है वह एम्बिडेंट है, वह दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता था लेकिन निगेटिव साइड से बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सीसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और साथ साथ यह प्रीडोमिनेटली आयोनिक भी होता है, ज्यादा आयोनिक होता है और यह बॉन्ड भी मजबूत है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन कार्बन से देगा और यह साइनाइड बनाएगा। लेकिन सिल्वर साइनाइड के केस में सिल्वर का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं और यह नाइट्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन दान करेगा और यह केवल आइसोसाइनाइड बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, एक दो बातें और भी हैं इसमें, इसको यदि हम मिटा दें, यहां इसको देखें, जब साइनाइड बन गया उपरोक्त रिएक्शन में कार्बन बढ़ गए, क्या होगा बच्चों? कार्बन बढ़ गए, अर्थात जब भी हमें कार्बन चेन बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है कन्वर्जन रिएक्शन में, हम एल्काइल हैलाइड बनाकर उसकी KCN से रिएक्शन करा देंगे। किसी रिएक्शन करा देंगे हम? पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा देंगे, किसकी? एल्काइल हैलाइड की। पहले हम एल्काइल हैलाइड बना लेंगे, उन एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड से केमिकल रिएक्शन करा देंगे और प्रोडक्ट में एक कार्बन बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों? जब हमारा एल्काइल साइनाइड बन गया तो यह बहुत महत्वपूर्ण, यह बहुत इंपोर्टेंट कंपाउंड है बेटा, एल्काइल साइनाइड बहुत इंपोर्टेंट कंपाउंड है, इससे बहुत से पदार्थ बन जाते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आगे चर्चा की जाएगी, इसका हाइड्रोलिसिस करा दे, क्या करा दें? इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, दो तरह से करा सकते हैं हाइड्रोलिसिस, एक तो करा दें पार्शियल और एक करा दें कंप्लीट। जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो एमाइड बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? एमाइड बन जाते हैं। जब इसका हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एमाइड बन जाते हैं और जब इसका कंप्लीट करा देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जब हम रिडक्शन कराते हैं तो एमाइन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? एमाइन बन जाते हैं, अर्थात इससे बहुत से कंपाउंड बन जाते हैं, साइनाइड की रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? इसका रिडक्शन कराने पर एमाइन, ये रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन भी कहलाती है, एमाइन में इसकी चर्चा की जाएगी बेटा, इनकी चर्चा आगे भी की जाएगी लेकिन हमने यहां बता दिया है, बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इंटरचेंज अर्थात कन्वर्जन में बहुत काम में आता है। तो आप ये रिएक्शन सीख गए, यानी ये जो रिएक्शन है किससे, यदि हम यह रिएक्शन KCN से करेंगे तो एल्काइल साइनाइड बनेगा और यही रिएक्शन हम अगर AgCN से करेंगे, थोड़ा नीचे लिख देना, KCN से करेंगे तो एल्काइल साइनाइड बनेगा और हम AgCN से करेंगे तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है ना? इन दोनों से और देखते हुए रिएक्शन, इसका एमाइन बना था, थोड़ा ऊपर लिख दें R NH2 बना था, फर्दर 2 डिग्री 3 डिग्री भी बन सकता था। चलिए ये भी हो गया, अब हम देखते हैं इसी तरह की रिएक्शन है बेटा KNO2 और AgNO2 से, जिसमें क्या होगा, प्रतिस्थापन होना है, किससे होना है भाई? नाइट्राइड बनेंगे, क्या बनेंगे? चलिए अब हम लिखते हैं
फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एंड नाइट्राइट कंपाउंड, अर्थात नाइट्रो यौगिक और नाइट्राइट यौगिक कैसे बनते हैं उपरोक्त इन दोनों रिएक्शन से बच्चों, इससे और इससे क्रमशः नाइट्राइट और नाइट्रो कंपाउंड्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं केमिस्ट्री देखते हैं थोड़ी सी बच्चों। जब एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है किससे, यही लिख दे रहा हूं मैं, रिएक्शन करता है पोटेशियम नाइट्राइट से, तब हमारा एल्काइल नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है, एल्काइल नाइट्राइट बनता है। और जब यह रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करता है तो नाइट्रो एल्केन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन बनता है, ठीक है ना। कैसे होगा थोड़ा भी समझते, एक एग्जांपल और लिख दें पहले हम। C2H5Br यदि यह रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम नाइट्रेट से तो इथाइल नाइट्राइट बनता है, और यह जब रिएक्शन कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से तो इथाइल नाइट्रोएथेन बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमें इस बात को समझना है। यहां पे क्या बना, नाइट्रो कंपाउंड बना, और यहां पे नाइट्राइट कंपाउंड बना। ऐसा क्यों हुआ इस बात की हम व्याख्या करें, बिल्कुल पहले जैसा है, साइनाइड जैसा ही है। जो नाइट्रो समूह होता है उसमें रेजोनेंस होता है, उसके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, एन डबल बॉन्ड ओ और ओ नाइट्रो, इनकी चार वैलेंसी भी ये होता है ना। ये इस तरह से भी जुड़ सकता है, यह ऐसे केमिकल रिएक्शन कर सकता है, और यह ऐसे भी केमिकल, इसका ये यहां से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी जुड़ सकता है, यह ठीक है ना, ऐसे भी जुड़ सकता है। यह ऑक्सीजन से बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, दो जगह से इसकी बंध बनाने की क्षमता है। बिल्कुल पहले ही जैसा हो गया, जब यह ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ओ एन डबल बॉन्ड ओ लिखा है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ये ज्यादा सही है लिखने में। चलिए ये बॉन्ड कैसे कैसे बना सकता है बच्चों, यह बॉन्ड अभी हम ऐसा लिखते हैं, इसमें ज्यादा समझ में आ रहा है बेटा। यह यहां से भी बॉन्ड बना सकता है, यहां से भी, यह भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यह दो जगह से बंध बनाने की क्षमता रखता है, ऑक्सीजन से और यहां से। हमने पहले भी कहा था बेटा, यदि हमारा ये वाला ऑक्सीजन मिल जाए जो निगेटिव वाला है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। और हम फिर वही बात करेंगे, जो KNO2 होता है, KNO2 एक प्योर आयोनिक कंपाउंड है, प्योर आयोनिक, इसमें कोवलेंट करेक्टर बहुत कम होता है, अर्थात ये प्रीडोमिनेटली आयोनिक होता है, और आयोनिक होने के कारण इसका ये वाला ऑक्सीजन भी फ्री मिलेगा निगेटिव के रूप में। तो यह C से O जोड़ सकता है और C से N भी जोड़ सकता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता था C को और ये भी दे सकता था। ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, C सिंगल बॉन्ड, O बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा जल्दी पकड़ लेगा इसको ये, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल है, और जब ज्यादा जल्दी पकड़ लेगा तो बॉन्ड ओ से बनेगा और नाइट्रो कंपाउंड बनेंगे। और इसकी मैकेनिज्म बच्चों SN2 से होगी, ये भी हम बता चुके हैं आपको, SN2 से वो मैकेनिज्म होगी जो जिनका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला होगा, ये तो पक्का हो ही गया, एक बात है ना, बार बार बता रहा हूं, अगले कालांश में चर्चा भी की जाएगी इसकी, ये SN2 से भी होगा। अर्थात पहला प्रश्न का जवाब हुआ, ये जो KNO2 है ये प्रीडोमिनेटली आयोनिक कंपाउंड है, अर्थात ज्यादा करेक्टर इसका आयोनिक है, मैक्सिमम करेक्टर आयोनिक है, आयोनिक होने के कारण यह एम्बिडेंट लिगेंड की भांति व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, एम्बिडेंट लिगेंड की भांति व्यवहार करेगा। इसमें दो डोनेटिंग साइट है, यह दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था, ओ से और एन से, क्योंकि ओ से डोनेट करने पर यह स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहा है, मजबूत बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए यह ओ से जुड़ेगा, अर्थात C2H5Cl में
यदि हमारा KNO2 आता है तो यह ONO जो था यह O से और N से दोनों से बॉन्ड बना सकता था, तो यह बॉन्ड O से बनाएगा तो C2H5ONO मुख्य उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट C2H5ONO। दूसरे भाग में जो AgONO था, AgONO था, इसमें क्या था? ये भी ओ एन ओ ऐसा था, यहां पे क्या था? के ओ एन ओ, के प्लस और ओ एन ओ माइनस था। ये जो ए जी ओ एन ओ था, फिर वही ए जी का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा प्रीडोमिनेट कर जाते हैं, अर्थात ऑक्सीजन चाहता है कि यह आयन नहीं बनाया था। यह बॉन्ड कैसा रहे? यह बॉन्ड कोवेलेंट रहे, यह बॉन्ड सहसंयोजक रहे। कैसा रहे? सहसंयोजक बंध रहे, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड रहे। यह चाहता है, अर्थात यह एम्बिडेंट लिगेंड की भांति व्यवहार नहीं करेगा। अब यहाँ एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बचा, यही अपना इलेक्ट्रॉन इसे दान करेगा और नाइट्रो कंपाउंड बनाएगा, अर्थात C2H5Cl में जो के ना लिखे, क्या लिखे? AgONO है, यहां भी ऐसा ही लिख दें बेटा, के ओ एन ओ था बच्चों। यह दो जगह से जोड़ सकता था, ये आयोनिक कंपाउंड था, इसमें ओ ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और ओ एन ओ बन गया। यहां पे ये तो रहेगा नहीं, यह जाना नहीं चाहेगा, इसको आयन करेक्टर नहीं चाहिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन देगा? एन इलेक्ट्रॉन देगा। अब बनेगा C2H5NO2 मुख्य उत्पाद, नाइट्रो एल्केन बनेगा, यहां एल्काइल नाइट्राइड बनेगा। प्रश्न क्या आता है? व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ पोटेशियम नाइट्रेट, एल्काइल नाइट्राइड इज द मेजर प्रोडक्ट एंड व्हेन इट्स रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रो एल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट। अर्थात जब यह पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन करता है, पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन करके, क्या पोटेशियम नाइट्रेट भी बोल सकते हैं बच्चों, पोटेशियम सॉरी KNO2 है ना, पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन करता है तो एल्काइल नाइट्राइड क्यों मुख्य उत्पाद बनता है और सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करके नाइट्रो एल्केन क्यों मुख्य उत्पाद होता है, इस बात की हमें चर्चा करनी थी। हमने बता दिया पोटेशियम नाइट्राइड प्रीडोमिनेटली आयोनिक कंपाउंड होता है, इसलिए यह एम्बिडेंट लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। इसका जो ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है यह ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा और नाइट्राइट ही बनेगा। यह कंपाउंड कोवलेंट होने के कारण केवल एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर रख रहा था, इसलिए यहां नाइट्रोजन से ही बॉन्डिंग होगी और नाइट्रो एल्केन बनेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? नोट कर लो उसे, आप नोट करो पॉज करके, मैं लास्ट क्वेश्चन लास्ट वाली बात और बता रहा हूं आपको। अंतिम अंतिम रह गया है, ये दोनों तो हो गए, पोटेशियम नाइट्राइड से क्या बनेगा? एल्काइल नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड से नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक है ना, ये वाली बात तो हो गई है। अगला हम देखते हैं किससे कराना है, एसिटिलाइड से। यानी हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं उच्च एल्काइन का बनना। जब भी हमें एल्काइन चेन को बढ़ाना है, जैसे हमने कहा ब्यूटाइन से पेंटाइन बनाना है, इथाइन से प्रोपाइन बनाना है, ब्यूटाइन बनाना है, हेक्साइन बनाना है, जब भी एल्काइन चेन को इंक्रीज करना है, यह विधि लगा दें किससे? एल्काइल हैलाइड की, सोडियम एसिटिलाइड, अर्थात कोई भी एसिटिलाइड ले सकते हैं बेटा, जो एसिटिलीन होता है उसका हाइड्रोजन मेटल से रिप्लेस होकर एसिटिलाइड बनता है। जब एल्काइल हैलाइड की एसिटिलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो इसका ये जो NaX निकल जाता है और हायर एल्काइन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उच्च एल्काइन बन जाते हैं इस रिएक्शन में, यह हायर एल्काइन बनाने के, जैसे आपसे कहा जा रहा है आपको पेंटाइन बनाना है, इसमें तो तीन कार्बन है, लो दो तो है ही,
यानी क्या ले लें, लेकिन एल्काइन भी कौन से बनेंगे, वन एल्काइन बनेंगे, हायर वन एल्काइन। जैसे ले लिया हमने पेंटाइन बनाना है तो C3H5Br प्लस NaCCCH रिएक्शन कराई, C3H5 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया, पेंटाइन बन गया वन पेंटाइन। क्या बन गया? वन पेंटाइन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन गया, ठीक है ना। हायर एल्काइन बन गया तो हायर एल्काइन बनाना है अगर तो यह विधि हम आसानी से यूज कर सकते हैं, इस विधि का उपयोग हम कर सकते हैं किसमें, हायर एल्काइन में। क्या बन जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच वन एल्काइन बन जाएगा। उपरोक्त तो सभी रिएक्शन बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यदि हम KOH NaOH वो भी एक्वस, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, Ag2O AgOH H2O किसी से भी रिएक्शन करेंगे, यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द्वारा एल्कोहल बनेगा, अर्थात एल्काइल हैलाइड से हम एल्कोहल बना सकते हैं। एल्कोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ईथर बनते हैं, इसको हमने विलियमसन सिंथेसिस बोला। यानी यहां पर न्यूक्लियोफाइल बेटा मैं अंडरलाइन कर दूं कि इसका न्यूक्लियोफाइल है, इसका न्यूक्लियोफाइल ये हो गया, इसका न्यूक्लियोफाइल ये हो गया, इसका यहां की जगह ONO होता है इसका न्यूक्लियोफाइल, और इसका NO2 होता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, ONO NO2, इसका CN होता है और इसका NC होता है न्यूक्लियोफाइल, और यहां ये पूरा न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेवियर करता है, Na प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। मैं आशा कर रहा हूं उपरोक्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको समझ में आ रही होंगी, ये किस प्रकार संपन्न होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे संपन्न होगी रिएक्शन। उपरोक्त तथ्यों को लेकर हम अगले कालांश में, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों, वो भी SN1 SN2 मैकेनिज्म द्वारा उपरोक्त रिएक्शन किस प्रकार संपन्न होती है, क्योंकि जब भी अध्याय चालू होता है उसका नाम होता है रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। पहले रिएक्शन आती है फिर उसकी क्रियाविधि आती है, तो यह SN1 SN2 क्रियाविधि द्वारा कैसे होंगी, कौन SN1 से होगी, कौन SN2 से होगी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम, मिस बिल्कुल नहीं करना है। एक प्रश्न नहीं, दो प्रश्न भी आ सकते हैं, लगातार बने रहिए, नए नए टॉपिक नए नए तरीके से सटीक कॉन्सेप्ट द्वारा आपके समक्ष हमेशा प्रदर्शित होते रहेंगे।